अलम वालेकम एवरी वन होप यू ऑल आर डूइंग वेल तो आज का टॉपिक है हमारा अलगारथम्स अलगारथम्स क्या होते हैं किस तरह से यूज़ करते हैं क्या उनकी टाइप्स हैं सब कुछ आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे तो स्टार्ट करते हैं वट इज़ अलगैर्थम अथम हमारे पास एक फाइनेट सीक्वेंस होता है जिसमें हमारे पास वेल डिफाइंड इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड की हुई थी कि किस तरह से हमने किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है और ये हमारे पास एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है कि आपने किस तरह अपने इनपुट को एक डिज़ायर्ड आउटपुट में कन्वर्ट करना है अब हम देखते हैं कि हम एलग्रैथम को किस तरह से वर्क करवा सकते हैं सबसे पहले आपने इनपुट देना है कि आपने किस तरह से अपने डेटा को रिसीव किया है फिर प्रोसेसिंग का पार्ट आ जाता है कि आपका डेटा आपका एलग्रैथम किस तरह से परफॉर्म करेगा सीरीज़ ऑफ़ ऑपरेशन आपके डेटा पे बेस हुए हुए फिर उसके बाद आउटपुट आता है कि किस तरह से आपका अलग्रैथम प्रोड्यूस करेगा डिज़ाइर्ड आउटपुट तो ये तीन चीज़ें होती हैं जिससे पे एग्रैथम वर्क करता है इनपुट प्रोसेसिंग एंड आउटपुट नेक्स्ट हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स आ जाते हैं एल्गोरिथम के कि क्लियर एंड अनबी होते हैं यानी कि अनबीगियस इस तरह से आप कह सकते हैं कि सारे एस्पेक्ट्स क्लियर होते हैं स्टेप बाय स्टेप वेल डिफाइंड इनपुट्स होते हैं और वेल डिफाइंड आउटपुट होते हैं और फाइनेटनेस का बहुत होता है कि किस तरह से आपका टाइम लिमिट होनी चाहिए फिजिबल होते हैं और लर्निंग लैंग्वेज भी इनकी परफेक्ट होती है हम बात करते हैं कि हमारे पास लगराथम की क्यों ज़रूरत होती है लग्रैथम की हमारे पास इसलिए ज़रूरत होती है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए किसी भी सोलूशन को ऑप्टिमाइज करने के लिए किसी भी टास्क को ऑटोमेटिकली किस तरह से हम परफॉर्म कर सकते हैं किस तरह से हम अपना टाइम सेव कर सकते हैं उसके लिए हमारे पास ललग्रैथम की नीड्स होती हैं है। जब हमारे पास कुछ एग्ज़ैम्पल्स आ जाती हैं अलग्रैथम की कि किस किस तरह की आपके पास एग्जाम्पल आ जाती हैं सबसे पहले सॉर्टिंग अलग्रैथम आ जाता है जिसमें मर्ज सॉर्ट होता है क्विक सॉर्ट होता है और हीप सॉर्ट होता है फिर, है। फिर सर्चिंग एलग्रैथम में हमारे पास लीनियर सर्च माइंडरी सर्च आ जाते हैं हैशिंग आ जाती है ग्रैफ अग्रैथम से हमारे पास जिसग्रैथम आ जाते हैं प्राइम्स अलग्रैथम आ जाते हैं फ्लॉइड वर्शल अग्रैथम आ जाते हैं स्ट्रिंग मैचिंग मैचिंग्ग्रैथम में हमारे पास नॉर्थ मोर स्प्रैट अलग्रैथम आ जाते हैं और बोर्य मोरलग्रैथम आ जाते हैं तो ये हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स आ गई अब हमने देखना हम अग्रैथम को किस तरह से लिखेंगे सबसे पहले आपने अपनी प्रॉब्लम को डिफ़ाइन करना है कि किस टाइप की आपकी प्रॉब्लम है जो आप सॉल्व करना चाहते हैं फिर आपने अलग डिजाइन करना है कि किस तरह डिज़ाइन से आप अपने अलग को परफॉर्म करना चाहते हैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर देखना है आपने अपने लग पे इंप्लीमेंटिंग करनी है कि किस तरह से आप उसको ट्रांसलेट करेंगे एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फिर आपने उसको टेस्ट करना है और डीबक करना है कि कोई करेक्शन तो नहीं चाहिए या फिर उसकी एफिशिएंसी चेक करनी है फिर उसको एनालाइज़ करना है लग को कि आप टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को देख रहे हैं कि किस तरह से आप कंपेयर कर रहे हैं अपने अल्टरनेटिव लग को आपने उसको अच्छे से एनालाइज़ करना है तो ये आपके पास हो गया कि किस तरह से वो बनते हैं उसके बाद आ जाते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ अग्रैथम सबसे पहली टाइप हमारे पास यहाँ पे जो है वो है सर्च इंजन अलग्रैथम ये वो अलग्रैथम होते हैं जिसमें आप सर्च स्ट्रिंग्स यूज़ करते हैं एज़ अ की और ऑपरेटर्स को यूज़ करते हैं एज इनपुट इसमें क्या होता है कि आपका डेटा किस रेलिवेंट वेब पेजेस पर होता है और रिटर्न करता है आपको रिज़ल्ट तो ये हमारे पास सर्च इंजन आ जाते हैं नेक्स्ट हमारे पास इंक्रिप्शन अलग्रैथम आ जाते हैं इसमें क्या होता है इस तरह के अलग्रैथम होते हैं जो आपके डेटा को ट्रांसफॉर्म करते हैं अकॉर्डिंग टू देर एक्शंस यानी कि स्पेसिफाइड एक्शन होते हैं जिस तरह से ये प्रोटेक्ट कर सकते हैं और इसमें एक सीमेट्रिक की अलग रैथम यूज़ होता है जिसको आप डेटा इंक्रप्शन स्टैंडर्ड कहते हैं इसमें क्या होता है वही सेम की यूज़ होती है इंक्रिप्ट के लिए भी डेटा के लिए और इनडिक्रिप्ट के लिए भी और यहाँ पर अलग रैथम जो है वो सफिशेंटली सोफिस्टिकेटेड होता है यानी कि कोई भी कीक है, जो है वो आपको डिप्रेट नहीं कर सकती आपके डेटा को और ग्रीडी अलग्रैथम में क्या होता है कि अलग्रैथम आपको सॉल्व होता है एक अपटिमाइजेशन प्रॉब्लम्स की तरह और फिर उसको फाइंड करते हैं कि लॉजिकली क्या ऑप्टिमल सोल्यूशन हो सकता है जो उसको सॉल्व कर सकता है और फिर उसको ग्लोबल लेवल पे जाके उसका ऑप्टिमल सोल्यूशन निकालते हैं इस तरह से आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है इनको आप ग्रेडियो लग्रैथम कहते हैं फिर आपके पास आ जाते हैं रिकर्सिव लग्रैथम रिकर्सिव लग्रैथम में क्या होता है कि वो अपने आप को रिपीट करते रहते हैं तब तक करते रहते हैं जब तक वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते और रिकर्सिव लग्रैथम जो है वो एक अपने आप को स्मॉलर वैल्यू भी देते रहते हैं हर बार क्योंकि वहाँ पे आपका रिकर्सिव फंक्शन यूज़ हो रहा होता है वो इन्वॉल्व होता है तो इसलिए आप इसको रिकर्सिव लग्रैथम भी कहते हैं नेक्स्ट हमारे पास बैक ट्रैकिंग लग्रैथम आ जाते हैं ये वो लग्रैथम होते हैं जो सोल्यूशन फ़ाइंड करते हैं गिवन प्रॉब्लम को देख कर उसकी इनक्रिमिटल अप्रोच देख कर और फिर उसको सॉल्व करते हैं डिवाइड एंड कंक्यर लग जो होते हैं ये हमारे पास ऐसे कॉमन लग्रैथम होते हैं जो डिवाइड होते हैं टू पार्ट्स में पहला पार्ट जो होता है वो प्रॉब्लम को डिवाइड करता है उसकी स्मॉलर सब प्रॉब्लम्स में और सेकंड पार्ट जो होता है वो उस प्रॉब्लम के हल निकालता है और फिर उसको कंबाइन करके एक सोल्यूशन प्रोड्यूस करता है फिर डायनेमिक प्रोग्रामिंग एलोग्रैथम जो होते हैं हमारे पास वो ऐसे एलोग्रैथम होते हैं जो सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम को उनको डिवाइड करके सब प्रॉब्लम्स में और फिर उनका रिजल्ट जो होता है वो स्टोर कर देते हैं हमारे पास फ्यूचर कॉरस्पॉन्डिंग प्रॉब्लम्स के लिए यानी कि आपके पास जो उनका रिज़ल्ट होता है प्रॉब्लम का उनको सेव रखते हैं ताकि फ्यूचर में अगर आपकी कोई ऐसी प्रॉब्लम दोबारा फ़ेस हो तो उसको किस तरह से सॉल्व करना है फिर ब्रूट फोर्स लगरेथम आ जाते हैं ये कौन से लग होते हैं जो इट्रेट्स करते हैं जितने भी पॉसिबल सोल्यूशन हो सकते हैं ताकि उन प्रॉब्लम को वो ब्लाइंडली सॉल्व कर सकें और यहाँ पर सर्चिंग भी होती है कि कितने सोल्यूशनस को आप फंक्शन पे सर्च कर सकते हैं और फोर्स करके उनको लग को सॉल्व कर सकते हैं नेक्स्ट हमारे पास शॉर्टिंग अलग रथम आ जाते हैं सॉर्टिंग वलग हमारे पास इसलिए यूज़ होते हैं किसी भी डेटा स्ट्रक्चर को रीअरेंज करने के लिए कम्पेरिजन ऑपरेटर के बेस पे या फिर उनको डिसाइड करते हैं कि किस तरह से न्यू ऑर्डर वहाँ पे होगा डेटा का हैशिंग अलग रैथम आ जाते हैं हैशिंग अलग रैथम हमारे पास एक ऐसे अलग रहते हैं जो डेटा को लेते हैं और फिर इसको कन्वर्ट करते हैं एक यूनिफॉर्म मैसेज में विदा हैशिंग यानी कि तभी उनको हम हैशिंग अलग रैथम कहते हैं फिर रैंडमाइज अलग क्या होते हैं रैंडमाइज़ अलग हमारे पास इस तरह के ग्राथम होते हैं जो हमारे पास रिड्यूस करते हैं रनिंग टाइम और फिर इसको टाइम बेस्ड कॉम्प्लेक्सिटीज़ को रिड्यूस करके उसका एक एलिमेंट्स निकालते हैं जिससे लॉजिक निकाल के उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है तो ये हमारे पास रेंडामाइज अलग कहलाते हैं तो यहाँ पे हमारा अलग का टॉपिक कंप्लीट होता है कि क्या अलग होता है किस तरह से यूज़ होता है किस तरह से हम उसको लिख सकते हैं क्या क्या टाइप्स होती हैं क्या क्या एग्ज़ैम्पल्स होती हैं होपफुली आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा अभी भी अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी मसला है कोई भी क्वेश्चन है आप मुझे कह सकते हैं कॉमेंट सेक्शन में आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं जवाब दे सकूँ नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़ अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में याद रखिएगा